डेडेविल से पहले कैप्टन अमेरिका 4K क्लिप्स हमें दिखाए जाते हैं, नया ट्रेलर ही ऑल इन ऑल दिखाया जाता है। किसने नहीं देखा है अभी? मैंने मैं देख देख लिया, गया, मैंने देख बाद में लिया। देखा। ओके, सो उसमें उन्होंने क्लियर कर दिया कि एडमेंटियम वाला पूरा खेला होने वाला है, बहुत वर्सेटाइल मटेरियल है और अमेरिका को चाहिए उस पर अपना दबदबा। सारी कंट्रीज उस पर लड़ेंगी एंड अपने प्रेसिडेंट पे अटैक हो रहा होता है, जैसे कुछ कुछ ऐसे हाल फिलहाल की बातें हुई थी। मैं वीडियो टेक डाउन नहीं चाहता, लेकिन फिर बाद में रेड हल्क भाई साहब बनते हैं और फिर वहीं पे काट दिया जाता है, सामने से दिखाया जा रहा है। तो ऐसा फील, ऐसा लगा कि तुम्हें कि बस चेहरा बदल दिया गया है और बाकी ठीक लगा इस? हल्क का हाँ, रेड हल्क का। तुम मतलब तुम और क्या डिफरेंट करोगे? ठीक है, थोड़ा रेड यार हल्क और किसी का डिफरेंट होनी तुमको चाहिए ना, दोनों को दोनों ही आप है। अलग, दोनों में बहुत डिफरेंस होना चाहिए जैसे। और ऐसा नहीं है कि आप लिमिटेड हो उस क्राइटेरिया में, हाँ मतलब आपके पास बहुत इनक्रेडिबल हल्क देख लो, वो जो पहले आई थी, उसका हल्क कितना डिफरेंट दिखता है, अबोमिनेशन कितना डिफरेंट दिखता है, हाँ तो करने को तो बहुत वैरायटी ला सकते हैं अच्छा वो। वैसे ओके स्केल्स वगैरह के साथ ऐसे नहीं नहीं, स्केल्स स्केल्स नहीं, नहीं। आप अगर वो मिस्टर ओलंपिया भी ऐसे मैचेस देखोगे, हर बॉडी अलग दिखती है आपको। हाँ, तो इस तरीके थोड़ी सी डाइवर्स रखनी चाहिए, लेकिन इतना ही देखने को मिला, बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन फिर भी काफ़ी हल्क जैसा परफेक्शन की मूर्ति टाइप दिख रहा है। मे भी शायद और देखने को मिल जाए तो बेटर लगे, लेकिन लगा कि हाँ थोड़े से हल्क वाली याद आ रही है कि बस चेहरा बदल दिया उन्होंने कन्वीनियंस के लिए। हाँ मतलब मेरे को भी लगा ये कि थोड़ा सा वो हल्क जैसा है उसका बॉडी। अब तुमने बोला तो मेरे को रियलाइज हो रहा है हाँ कि वो चेस्ट हेयर और उसके साथ तो बहुत ही ज्यादा रिजेंबल कर रहा है वो एज ऑफ बहुत अल्ट्रॉन वाला, नहीं था याद है हाँ एज ऑफ अल्ट्रॉन में जैसा था वो वैसा। और हाँ एक चीज और भी नोटिस कर रहा हूँ, उसके बाल काले हो गए। हाँ थोड़े बहुत चेस्ट पे सफेद है, थोड़े बहुत, ठीक है, लेकिन बाकी सब तो नहीं एकदम लेकिन परफेक्ट है। यहाँ का तो सिर रॉस के का तो सफेद होता है। तो पूरे काले हो गए। लेकिन अगर वो देखो अगर रेड बॉडी के साथ व्हाइट हेयर होता तो माँ कसम एकदम वो लगता, वो जो सी वर्ड यूज करते ना डिस्क्राइब करने के लिए। कंट नहीं 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 अपने यहाँ पे यार सी एक वर्ड जो ऐसा टाइट ही बात हो गई। जीन्स रंग बिरंगे कपड़े केडीएम अच्छा, समझ रहे तुम, कबड्डी। वो वैसा लगता ओए वो व्हाइट हेयर के साथ। नहीं, वो मैं इसलिए, वो वैसे व्हाइट बाल रखते भी नहीं उसके, ये मतलब क्रिएटिव चॉइस नहीं है, क्योंकि जैसे उसके पीछे लॉजिकल रीजन है कि वो जो रेड हल्क जब वो ट्रांसफॉर्म होता है ना रॉस, तो वो रेड हल्क के फॉर्म में एज नहीं करता वो, तो हाँ कॉमिक्स में भी उसके बाल काले हैं। और वैसे शीहल्क और में भी तो वो बताया है कि जब वो चेंज होती है तो उसके बाल काफ़ी अच्छे हो जाते हैं, स्किन काफ़ी बढ़िया हो जाती है। हाँ, तो काफ़ी हंसी खुशी वाला माहौल हो जाता है, लेकिन अच्छा मुझे कोई लगा बात, देख। एक बात बताओ, ये ब्रूस बैनर को ही के सारे दुख दर्द पीड़ा क्यों मिले हल्क के फॉर्म में, बाकी तो सब खुश नजर आ रहे हैं। बाकी भाई एक बंदा थेरेपी डेफिनेटली लेके ट्रॉमा खुश है, ट्रॉमा 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 सारे ट्रॉमा उसको ही मिले हुए। खैर इसमें आ रही है, उम्मीद आ रही है, उसकी बेटी बेटी आ रही है। हाँ, मे बी वो लुक आके देखने को मिले, ला 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 कि अबे तुमने तुम वो देखा कि नहीं, वो सैम विल्सन, ये अपना एंथनी मैकी, एक इंटरव्यू में बोल दिया ना ग्रीन हल्क का, आ रहे हैं। उसने उससे नहीं, मतलब वो क्या, वो बड़ा फनी सिनेरियो बना कि वो और हैरिसन फोर्ड और बाकी टीम बैठी हुई थी, तो इंटरव्यूअर ने पूछा ग्रीन हल्क का ये वो, तो उसने बोला कि ग्रीन हल्क को हम जो है कि जो पुरानी मूवी की जो केमिस्ट्री थी उसके साथ में, लीडर के साथ में, तो हम इसके साथ रिलेट नहीं करना चाह रहे हैं ये वो। इतने में हैरिसन फोर्ड ने भी जो इंटरप्ट कर दिया उसको कि ग्रीन हल्क कौन सा ग्रीन हल्क है वो, तो वो ऑफ टॉपिक चला गया, डिविएट हो गया। ओ तो फिर भाई उसने, फिर जब वो वापस कंटिन्यू किया ना उसने, तो वहां से फिर उसने बोला कि एंड व्हेन यू सी हिम इन दिस मूवी हियर एज वेल, तो वो पकड़ में आ गया। वो खेल रहे है भाई भाई, वो बहुत तो तगड़े पीआर ट्रेंड है वो, बिना मतलब के तो एक बात ना बोले कोई। अरे भाई, पर हाँ मेरे को हाँ फिर भी लगता है, तुम सोचो ना, मतलब देखो हल्क को तो लाना ही पड़ेगा आपको, हाँ अब सैम विल्सन तो नहीं हरा रहा उसको, ठीक है, हृदय बहुत उच्च चोरी हो जाएगी। परिवर्तन भाई यार। अगर उसके पास सुपर सोल्जर सीरम होती फिर भी कोई चांस नहीं था, वो नॉर्मल इंसान है। नॉर्मल अरे इज इन नहीं, माइनस, मुझको वो वाला सीन ठीक है, अच्छा नॉट लगा, इवन जीरो। टीजर का वो वाला, ट्रेलर का वो वाला सीन अच्छा लगा कि जब प्रेसिडेंट पे गोली उली चल जाती है, सब अंडरग्राउंड बंकर में,
ओ सैम जाता है अपना सूट के लिए, वो रोक रहा होता है कि जा तेरी भाई पीछे। ओ भाई काफी बैड ऐसा भाई, मजा आया कि मतलब सैम को ऐसे सीरियस रोल में देख के काफी, क्योंकि जो उसकी रियल पर्सनैलिटी है काफी चिल है, काफी हंसी मजाक हाँ वाले, लेकिन जब सीरियस रहता है तो भाई काफी अच्छा लगता है देख के। अब ब्रदर पर तो रिस्पॉन्सिबिलिटी आ गई ना कैप्टन काफी, अमेरिका और की। थोड़ा और एक्शन भी दिखाया मैं हुआ है वहां पे। हाँ वो ट्रेलर देखते हुए मुझे जो एक बहुत ऐसा लगा ना कि भाई जो तुम सरपंच सोसाइटी का दिखा रहे हो, ऊपर से अपने गस्ट फ्रेंड का जो एक्टर है, तुमने वो प्लान किया नहीं था, वो हाँ रीशूट्स में ऐड किया है, वो भाई बताओ अलग से हवा में आ गया वो आदमी। अरे यार पहले पिक्चर बहुत क्या रीशूट बना रहे हुई थे भाई। फिर। बादल अटक बादल गया, अटक गया। बादल ये क्या, बट मुझे लग रहा था, मुझे अभी भी लगता है कि ये हल्क फैमिली से कुछ कर रहे हैं। 100% कर रहे हैं हाँ भाई हाँ ये। वरना देखो अल्टीमेटली ना इन लोग को समझ में आ गया कि मतलब आपको कुछ तो करना पड़ेगा, क्योंकि हल्क एक ऐसी इनकी प्रॉपर्टी है जिसको इन्होंने यूज ही नहीं किया था। बिल्कुल वो मतलब एज ऑफ अल्ट्रॉन से पड़ा हुआ था, और मतलब एक्चुअली एंड गेम में क्या हुआ ना कि हल्क का आपने आर्क ही खत्म कर दिया। ही वॉज लाइक ही बिकेम प्रोफेसर हल्क और वो गया। आप ना एक पॉइंट पे चलो आपको लगा कि हाँ चलो भाई इतने सारे सुपर हीरोज का कुछ कुछ वो हो गई, स्टोरी खत्म हो गई, तो हल्का भी बनता है। लेकिन फिर जब आप सोच के देखते हो ना कि उसके उसकी तो कितनी रिच हिस्ट्री है कॉमिक बुक्स की, तो बहुत बहुत उसको कब कैसे एक्सप्लोर करोगे अगर आपने उसको यहीं खत्म कर दिया तो। हाँ और ऐसा भी नहीं है कि चलो आप उसको कोई रिप्लेसमेंट लेके आ जाओ, ठीक है, क्योंकि हल्क इज ब्रूस बैनर ना, दूसरे हल्क तो फिर दूसरे हल्क हैं, जैसे रेड हल्क हो गया, शी हल्क हो गई, और क्या, पिरामिड एस्ट्रो एक और हल्क है, तो ऐसे करके दूसरे हल्क हैं। मुझको लग रहा है ना कि अगर अगर करना चाहें, लग क्या रहा है वो तो हमेशा उम्मीदों पे पानी फिर जाता है, लेकिन अगर ये करना चाहें तो ये काफ़ी अच्छी ऐसी कहानी बन सकती है कि आपने सारे हल्क्स को ले आया, और एक्चुअली में जो नई वाली हल्क आएगी उसमें हल्क अपना ये विलन हुआ, बैड गया, और सारे हल्क मिलके रोक रहे होंगे लेकिन कोई रोक नहीं पाएगा, तब वहाँ पे हल्क का एक्चुअल वर्ल्ड एंगल। वॉर हल्क, तो ये फिर तो हाँ वही हो गया, वर्ल्ड वॉर हल्क हो गई है। हाँ तो यही तो देखो हर चीज होता है ना कि ऑल ऑल रोड्स लीड टू, क्या था वो कौन सी मूवी में था कि ऑल रोड्स लीड टू, ऐसे कहावत तो रोम की है, बट वो ये जितना भी है ना ये पूरा इसका एंड गेम वर्ल्ड वॉर हल्क ही होना चाहिए, हाँ क्योंकि आप इतने सारे सुपर सोल्जर्स क्रिएट कर रहे हो, सब कुछ कर रहे हो, फिर आपको अल्टीमेटली ये दिखाना है कि सबका बाप वही है वही है ना, जो था। फिर आ रही है शी हल्क जैसे ही फोर्थ वॉल ब्रेक करने आ रही है, उधर हल्क मारता है एक पंच चार बिल्डिंग पीछे। ओ भाई तो मेरे काफी अच्छी दिमाग में का हो रहा है तो ठीक है। वर्ल्ड वॉर हल्क में अगर शेल ने ट्वर्क नहीं किया, ओ भाई यार आग लगा देंगे पूरी पिक्चर को। भाई यार उन लोगों ने जो अपने शोज में क्रिएटिव चॉइसेस ली है ना शी हल्क में स्पेशली, दे विल कम एंड हॉन्ट देम आगे जाकर, तुम देखना, क्योंकि अरे वो वहां इतनी जाके स्टूडियो इम्पोर्टेंट में पहुंच पावर है गई। ना। हाँ 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 वो केविन से मिल लेती है, बताओ। तो फिर ऐसे तो वो कुछ भी कभी भी कर सकती है ना, मतलब लिखते टाइम यू शुड हैव थॉट अबाउट इट, कितना बड़ा प्लॉट होल बन सकता है आगे जाकर।